झज्जर के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आंगनवाड़ी कर्मचारी के प्रधान बालेश जाखड़ ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हमने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की है और जिला प्रशासन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और हमारी सरकार से मांग है कि 2018 में सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो समझौता हुआ था उसे लागू किया जाए। और उस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी वर्कर के 1500 रूपए और आंगनवाड़ी हेल्पर के 750 रूपए बढ़ाए जाएंगे, जो कि अब तक नहीं बढ़ाए गए हैं, और महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाए, और जो ऑनलाइन काम करने के लिए कर्मचारियों को 500 रूपए का इंसेंटिव देने की बात कही गई थी, लेकिन 11 महीने हो चुके हैं, अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया। इसके विरोध में कर्मचारियों ने ऑनलाइन काम करना बंद कर दिया है और भी कई अन्य मांगे हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि या तो सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांग पूरी कर दे, नहीं तो आंगनवाड़ी कर्मचारी लघु सचिवालय के पार्क में ही दिवाली मनाएंगे। क्या हमारी वही समस्याएं हैं पुरानी जो पीछे से चल रही हैं। एक तो मेन जो बात है वो तो है 2018 में जब हमारा धरना प्रदर्शन रहा था तो सीएम साहब ने भी और पीएम मोदी जी ने भी एक घोषणा की थी 1500 रुपये वर्कर के 750 रुपये हेल्पर के बढ़ाए जाएंगे, वो आज तक लागू नहीं हुए। तो पुनः हम उसी के लिए मेन अपने फोक्स उस पर खड़े हैं कि भाई हमारी वो चीज़ें जो बोला गया था उसको लागू किया जाए। और एक पिछले मतलब सितंबर 2022 से हमारी महंगाई भत्ते की किस्त लागू लगनी होनी थी उसको लागू नहीं किया गया है, तो उसको लागू करवाना है। बाकी जो ऑनलाइन काम का जो प्रेशर है वर्कर्स के ऊपर, बिना संसाधन दिए हमारे से वो काम करवाया जा रहा है, और जब उसको शुरू करवाया गया था तो ये बोला गया था कि भाई आपको 500 रुपये का इंसेंटिव अलग से दिया जाएगा। हम लगातार उसके ऊपर 11 महीने से भी ऊपर काम कर चुके हैं लेकिन वो इंसेंटिव अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम उस काम को रोक रहे हैं। लेकिन रोकने के बाद वर्कर्स का पर्सनली लेटर निकाल के उनको टर्मिनेट करने की धमकियाँ दी जाती हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि PMEY जो गर्भवतियों को लाभ दिया जाता है इस योजना का, तो वो क्या था कि वर्कर्स जो सुपरवाइजर्स हैं अपनी ID से उसको 2017 से काम को कर रही हैं। अब उन ID को गवर्नमेंट ने बंद करके हमारी ID को बिना पूछे पर्सनल हमारी नंबर से उसको एक्टिवेट किया है, तो ये जो अकाउंट से जुड़ा हुआ काम है ये वर्कर 10वीं पास वर्कर काम नहीं कर सकती, और ना ही हमें संसाधन दिए गए हैं क्योंकि ये किसी के अकाउंट और खातों से संबंधित है, तो इस काम का हम अपने सर रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम सरकार को बोल रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए इस फैसले को, ये काम आप अपने पर्सनल फोन से नहीं करेंगे और पर्सनल ID।